इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं sadaknama.com। 26 अगस्त की शाम को सिरसा पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 3 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की गई। सदर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज जांच शुरू करी थी। और हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति जो है पंजाब का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके साथ एक महिला जो सिरसा की नहर कॉलोनी की रहने वाली थी उनको पकड़ा गया था और पुलिस ने जो है रिमांड लिया था कोर्ट के आदेश पे, 5 दिन का रिमांड है वो लिया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर के कई तरह के बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जो पहला खुलासा पुलिस ने किया है, पुलिस ने 3 जो है युवकों को गिरफ्तार किया है जो जीरा लेमन की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे और ये 3 लाख रुपए की नकदी उन्हीं लोगों को दी जानी थी। उसके बाद ये पूरे ज़िले में नोट है चलाए जाने थे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि अब तक ये लोग कितने रुपए लेके आए और कितने रुपए इन लोगों ने चलाए। तो हम ये कह सकते हैं कि नकली नोट मामले में 5 दिन के रिमांड पर चल रहे आरोपी गगनदीप के खुलासे के बाद रानिया के सच्चा सौदा मोहल्ले के अनुराग सहित उसके 2 साथी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से जो है पूछताछ के दौरान दोनों साथियों के नाम और उजागर हुए हैं। दोनों नकली नोट चलाने के धंधे में उनके साथ शामिल थे। पुलिस पूछताछ में ये पता लगा है कि तीनों ही जीरा लेमन की फैक्ट्री के लिए काम करते हैं, तीनों दोस्त हैं इसलिए धंधा मिलकर कर रहे हैं। अनुराग 3 लाख की करेंसी लेकर बाकी 2 अन्य साथियों से में वितरित करने वाला था, उनमें बांटने वाला था। और अनुराग के साथ पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान, जिनमें से एक युवक है राजेश उर्फ सोनू जो शमशाबाद पट्टी का रहने वाला है और दूसरा अरविंद जो कि नेजिया खेड़ा गांव का रहने वाला है, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर के नकली नोट इस जांच को लेकर के जो सिरसा के DIG है डॉक्टर अरुण नेहरा, उन्होंने एक पूरी टीम का गठन किया गया है जिनमें से पुलिस के कई अधिकारी शामिल हैं, एक्सपर्ट शामिल हैं जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि ये नकली नोट कहां से आ रहे हैं और किसके पास सप्लाई करने थे, नकली नोट का कारोबार करने वालों में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो इसको लेकर के भी ही हम ये कह सकते हैं कि पुलिस अब बड़ा खुलासा वो कर सकती है नकली नोट मामले को लेकर के। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि पकड़ी गई महिला है उसके पति के खिलाफ भी पंजाब में नकली नोट को लेकर के मामला दर्ज है। और चूंकि ये अंतर्राज्यीय गिरोह हो सकता है, इसके लिए पुलिस अब पूरी तरह से जांच कर रही है। रिमांड के दौरान एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।